गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना से जहां जनपद के विशेष के उत्पाद का विकास होगा, वहीं उत्पादकों के जीवन में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि ODOP समिट के माध्यम से अब तक लखनऊ, मुरादाबाद एवं वाराणसी में आयोजित विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से 57,000 से अधिक लाभार्थियों को ₹5,000 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। फलस्वरूप प्रदेश में औद्योगिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि रोजगार मेला लगाकर बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा, देखिए एक साथ यहाँ पर अनेक योजनाओं को उपलब्ध कराया गया है। महिला स्वयंसेवी समूह को रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से महिला स्वयंसेवी समूह गठित करके स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए एक कार्यक्रम का यहाँ पर किया गया। दूसरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अभिनव योजना, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें प्रत्येक जनपद की एक परंपरागत रूप से चलने वाली स्थानीय योजना को प्रमोट करने के लिए 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर इस योजना को प्रारंभ किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना की सराहना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की और आज यह देश के लिए बहुत अच्छी और प्रेरणादायी योजना बन चुकी है, जिसके माध्यम से 57,000 से अधिक यूथ को अब तक हम सीधे सीधे रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ चुके हैं। उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर के इस उद्यम में अलग अलग जिले के उस क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जहां हम लोगों ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना आदि योजनाओं के साथ जोड़ करके उन्हें स्वावलंबन की ओर और आत्मनिर्भर बनाने के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। वहीं प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं को इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश के जो हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी हैं, गांव में बढ़ई है, दर्जी है, नाऊ है, मोची है, कारपेंटर है, आपका राजमिस्त्री है, या इससे जुड़े हुए जितने भी हस्तशिल्पी हैं, इन सब के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनको प्रोत्साहन होगा, उनका प्रशिक्षण होगा, उनके लिए अनुदान और लोन की व्यवस्था होगी, उनके लिए और भी तमाम चीज़ों को हम इसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे वे लोग खुशहाली भरा जीवन और उनके चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके। इन कार्यक्रमों को लेकर किया जा रहा है, आज का एक कार्यक्रम यहाँ पर है। दूसरा, गोरखपुर में इस योजना के माध्यम से जहाँ हम लोगों ने आज 2,000 से अधिक उद्यमियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जोड़ा है, वहीं 360 से अधिक स्वयंसेवी समूहों को भी रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से सरकार की सहायताएं उपलब्ध कराई हैं। आज यहां पर एक रोजगार मेला का भी आयोजन किया गया है। रोजगार मेले में देश की 70 प्रतिष्ठित कंपनियां यहां पर आई हैं, जिसमें 6,000 से अधिक यूथ को नौकरी और प्लेसमेंट की सुविधा उपलब्ध होगी। यह रोजगार और नौकरी को उपलब्ध कराने प्रदेश सरकार ने शुरू से ही रोजगार पर ध्यान दिया। प्रदेश सरकार के पास जितनी नौकरियां थी, अब तक 1,30,000 से अधिक नौकरियों को हम पूरी पारदर्शी तरीके से पूरा करके नियुक्ति पत्र नौजवानों को दे चुके हैं। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी अंतिम स्टेज में है। फरवरी माह में हम 69,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। 50,000 पुलिस की भर्ती इसी महीने हमारी संपन्न होने जा रही है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में 50,000 और नियुक्तियां हमारी फरवरी तक सामने आ जाएंगी। उसके साथ ही प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बढ़ी हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। हमारी सरकार जब 2 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर रही होगी, उस समय तक 2,00,000 करोड़ का निवेश यूपी में हो रहा होगा,
दो लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हो रही होंगी और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार भी इस निवेश के माध्यम से प्राप्त होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना, मेरा ये मानना है आने वाले 5 वर्ष में 20 लाख नौजवानों को अकेले ये योजना रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर लाखों उद्यमियों को और इस हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने का कार्य इस योजना के माध्यम से करेंगे और मुझे लगता है कि किसी नौजवान के चेहरे पर, किसी उद्यमी के चेहरे पर खुशहाली लाकर के उसके माध्यम से समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना एक बड़ा पवित्र कार्य है और इस पवित्र अभियान के साथ हमारी सरकार और संबंध हमारे विभाग, संबंधित विभाग पूरी ऊर्जा के साथ लगता है।